नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस बिहार और इस वक्त हम खगड़िया में मौजूद हैं और यहां से सांसद हैं महबूब अली कैसर। और इस बार 2019 में महबूब अली कैसर एक तरफ और एक दूसरी तरफ महागठबंधन से मुकेश सहनी हैं। तो जनता की क्या है राय, उनका क्या मूड है, हम जानते हैं। कैसा रहा 5 साल कार्यकाल महबूब कैसर का? कहीं कुछ आप खगड़िया घूम लीजिए, एक बोर्ड भी उसका शिलान्यास या उद्घाटन वाला मिल जाए तो आप कहिएगा, एकदम फिर दोबारा उनको हम वोट देंगे। पिछले बार हम जाति पार्टी से ऊपर उठ के जो दो अच्छे अच्छे कैंडिडेट थे, दिनेश बाबू कृष्णा यादव जी, उन दोनों को छोड़ के देश के विकास के लिए हम केसर साहब को वोट दिए थे। जलवायु नरेंद्र मोदी विकास, तो ये सोच करके आपने वोट किया था? एकदम किया था। विकास पे विफल या फुटपाथ? एकदम विकास विफल है। केसर साहब तो 5 साल में कहीं नजर नहीं आए, उसका पत्थर शिलान्यास उद्घाटन वाला पत्थर तो दूर, वो दर्शन भी दे देते तो अच्छा रहता है। दर्शन भी आप लोगों को एक बार नहीं दिए, क्या ये बात जो कह रहे हैं कि आपके जो सांसद हैं महबूब कैसर, कभी आपने देखा है? की बोल, आपने कभी देखा है सांसद को? देख लो ना, हमें तो नहीं देखने छिए। नहीं हमने देखा। अब मूड क्या बना रही है, क्या मन कह रहा है? मुकेश सहनी खड़े हैं एक तरफ और एक तरफ कैसर फिर से खड़े हैं, तो किसके साथ आप जाएंगे? कौन पसंद है आपको, मुकेश सहनी या कदल? मुकेश सहनी कहबे तब मोदी ने कहबे तब मोदी चाहिए। हाँ, मोदी चाहिए, देश में प्रधानमंत्री मोदी चाहिए। आपको सांसद कैसा चाहिए? हमें वो सब नहीं बुझे छियो, ये सब हमरा नहीं बोलल कर रहा हूँ। नहीं अच्छा, और कुछ लोगों से हम जानते हैं कि वो क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? मोदी पसंद है इनको, हम लोग को भी पसंद है, केसर पसंद नहीं है जी के पार्टी से। हाँ है, गलती कर दी इनको टिकट देके, कोई अंधे आदमी को देता तो हम लोग और खुश होते, अब इससे ज़्यादा क्या कहें। नाराज़गी आपकी? हाँ नाराज़गी है पूरे से, नाराज़ कुछ हम लोग देखें ना, हम लोग रोजी है ना रोजगार है, लोन के लिए जाते हैं तो कुछ नहीं, कुछ नहीं एकदम से। मेहताब, 5 साल कैसे देखा आपने सांसद से, आप कभी मिले? कभी नहीं मिले। प्रयास किया कभी मिलेंगे? वो आज मिलेंगे, जब ही तो मिलेंगे उससे। गरीब आदमी हमारे कमाएंगे उनके लिए। यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि राजा हैं, सचमुच क्या राजा ही है? तो अपने लिए राजा, हम लोग के लिए राजा नहीं है। आपकी उम्मीद क्या रहती है जब एक सांसद आप चुनते हैं, तो क्या चाहते हैं? अच्छा हो, जो आए सबका समस्या देखे, क्या परेशानी है क्या नहीं है, लेकिन आज तक कभी ऐसा पूछने ही नहीं आए। अब किसको सोच रहे हैं? अब सोच रहे बस मुकेश सहनी को एक बार देखना है। एक बार देखना है, देखने की वजह क्या है? वजह क्या, जब वो हमारे 5 साल बीच में कभी एक बार भी नहीं आए मिलने के लिए, नहीं कुछ कोई बातचीत नहीं। इस बार मतलब हरा के उनको भेजना है जी, जनता अपने वोट की ताकत दिखाएगी जी। जी बिल्कुल, जनता सत्ता पलट सकती है जी, सही बात है। क्या नाम है आपका? सनी कुमार। सनी, यंगस्टर हैं आप, आपके लिए क्या मुद्दा है कि आप इलेक्शन को कैसे देखते हैं? इलेक्शन का एक अप्रोच जो होता है कि अगर कोई कैंडिडेट लोकल खड़ा होता है तो वो चौतरफा विकास हो, समाज में एक अच्छा जिंदगी जिए, लेकिन एक नज़रिया से देखा जाए तो 5 साल जब चौधरी महबूब अली कैसर यहाँ से चुनाव जीत के गए तो जनता के हिसाब से वो मन मुताबिक काम नहीं कर पाए, जो कि एक आम आदमी के दृष्टिकोण से बिल्कुल ही गलत है। और जब नया युवा नेता आएगा, नया अप्रोच लेकर आएगा, समाज का विकास होगा, तो जनता ज़रूर उसे वोट करना चाहेगी। एक युवा खुद तुम हो, किसको देख रहे हैं? एक युवा यंगस्टर लीडर को ही देखना चाहेगा, क्योंकि चौधरी महबूब के लिए जिस तरह से उसका नाम है, जिस तरह से उसका अप्रोच है, उस हिसाब से वो अपना 100% नहीं दे पाए। आशाएँ थी महबूब? आशाएँ तो बहुत थी, क्योंकि मोदी जी का लहर था 2014 में, वो एक अच्छे लीडर बन के उभरे थे, लेकिन उनके जो लोकल पॉलिटिशियन थे वो उसकी उम्मीदों पर सही तरीके से खड़े नहीं उतर पाए। मूड बदल गया? हाँ मूड बदल चुका है। बदल चुका है एक यंगस्टर का, और एक और यंगस्टर मेरे साथ है, क्या नाम है तुम्हारा? किशन कुमार। किशन क्या करते हैं? ऐसे पढ़ाई लिखाई करते हैं। तो आप अपने सांसद से कभी मिले हैं? सांसद से नहीं, कभी नहीं। कभी देखा? देखा भी नहीं कभी। एक उम्मीद क्या थी आपकी कि आपका सांसद आपके लिए विकास करे? आपको जो चीज़ की दिक्कत हो रही है गली मोहल्ले में, वो चीज़ विकास होना चाहिए था, वो हुआ है? कभी नहीं। अब क्या सोच रहे हैं? दो प्रतिद्वंदी है, महबूब कैसर और मुकेश सहनी। मुकेश सहनी की वजह क्या है, उम्मीद क्या रखते हैं? उनसे वही रखते हैं जो वो बनेगा तो कुछ कर देखा है।
कुछ करके दिखाएगा, ये विश्वास है आपका। ये विश्वास है इनका कि मुकेश सहनी अगर यहाँ से इस बार चुनाव जीत करके आते हैं तो विकास का जो कार्य है वो करेंगे, एक युवा ये सोचता है। और आपका क्या नाम है? पप्पू यादव। पप्पू यादव, कैसा 5 साल का कार्यकाल अपने सांसद का रहा? कभी नहीं देखे, कहीं बोर्ड भी लगल नहीं देखे, नहीं रोड देखे, नहीं नाले देखे, कभी नहीं देखे। कभी देखो नहीं किए, 5 साल के बाद अभी देखो नहीं किया, अभी तक नहीं देखे। अभी तो इलेक्शन आ गया, अब तो दिखते हैं। अभी तक नहीं देखे। अभी देखे नहीं। अब क्या सोच रहे हैं? अब लगता है जब आप पहले नहीं तो आप क्या आएगा, आप तो आईबो करेंगे तो सब पब्लिक जहन दुखी है उससे। पब्लिक जवाब दे। हाँ जवाब देंगे। हाँ परसों पसराम उसके साथ जो घटना घटी बहुत ही निंदनीय है कि आप एक सांसद रहते हुए आपके साथ पब्लिक होड़ेर कुहां से भगा रहा है। पसराव कल मैं स्कूट भाई लगातार विरोध लगातार जब खुल के उसका विरोध हो रहा है। अच्छा। उस कहीं लोकसभा में कहीं नहीं है, वो चुनाव हारेंगे और मुकेश सहनी चुनाव जीतेंगे। मोदी जी के साथ में फिर भी हार तय है? एकदम हार तय है उनका, हार इनकी तय है, जनता अपनी राय रख रही है। आपका क्या नाम है? अजय यादव। अजय यादव जी, क्या लगा 5 साल आपके सांसद का कार्यकाल? दर्शनों करे नहीं ले हैं, चाहते थे कि दर्शन चाहते हो दर्शन, लेकिन दर्शनों करे नहीं ले। दर्शन नहीं करने वाला चाहिए कि दर्शन नहीं करना? अब हमें मुकेश सहनी के दबे वोट। हाँ एक मतलब मौका, कॉन्फिडेंस है मुकेश सहनी? हाँ हाँ, विकास करेगा, विकास करेंगे, उम्मीद है। क्या नाम है? मैं की बोलवा बाबू। नाम क्या है? नाम बोलोगा? उर्मिला देवी। उर्मिला जी, ये बताइए कि आपका जो सांसद था एमपी, कभी आपसे मिले हैं? ना कभी हो ना। कभी नहीं मिलते ना। जो आप लोग की जो गली में समस्या है वो कभी सुनने भी आए? नहीं। अब मुकेश सहनी और कैसर खड़े हैं तो जहाँ मैं 10 लोग हमारा महला के देते वही मैं दे दूँ। अच्छा, जहाँ लोग जाएंगे उधर ही आपके जाएंगे? हाँ। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? रोहित राज। रोहित, तुम्हारे लिए क्या मुद्दा होता है अगर वोट करते हो तो? क्या सोच करके वोट करते हो? विकास के सोच करके वोट करते। हाँ, महबूब कैसर का विकास दिखा आपको? नहीं नहीं, उसका विकास सब ने दिखा, नहीं दिखा। नहीं, अब क्या सोच रहे हैं? मुकेश सहनी को वोट करेंगे। मुकेश सहनी को ही वोट करेंगे? हाँ। उनमें विकास दिखता है? हाँ विकास दिखता है। की बातों को सुना आपने कभी? हाँ सुने हैं। हाँ विश्वास है उस पर। तो एक और कुछ लोग जुड़ गए हमारे साथ, हम उनसे जान लेते हैं। क्या नाम है? मोहम्मद जिब्राइल। जिब्राइल जी, कैसा कार्यकाल रहा सांसद का आपके? हेलो, ठीक है। ठीक है, ठीक है। खुश हैं? उससे खुश रहेगा कोई? उससे खुश है कोई? कोई नहीं है, आप भी नहीं है। अब क्या मन है? अब मन है दूसरे का, दूसरे को देखना है। हाँ, करना है दूसरे। हाँ। जनता बार बार मौका देती है, आप इस बार किसको मौका दे रहे हैं? जनता जिसको देगी उसको ही नहीं देंगे, और क्या। आप किसका, आपका मन क्या है कि किस मुद्दे पे वोट करेंगे इस बार? क्या मुद्दा होगा? मुद्दा रहेगा जो जनता रहेगा, हम वही कहेंगे बार बार। उसी के साथ रहेंगे। महबूब अली कैसर का कार्यकाल 5 साल कैसा रहा? कहाँ कुछ, हम तो अभी तक कुछ उनके बारे में जानते ही नहीं। जानते नहीं। जो सांसद देखना चाहते थे कि मेरे बीच में रहे वो? अब छिप के रह जाते हैं तो रह जाएं, और क्या। तो यहाँ आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि काफी भारी विरोध दिख रहा है चौधरी महबूब अली कैसर जो कि LJP के प्रत्याशी हैं। बहरहाल 2019 के इस चुनाव के बाद ये साफ हो जाएगा कि जनता की जो राय जनता ने रखी है वो कितना सही साबित होती है और मुकेश सहनी के पक्ष में कितने वोट जाते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। आप देखते रहिए हेडलाइंस बिहार। कैमरा पर्सन राज तिलक के साथ मैं तनवीर आलम।